अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम ज़िशान उस्मानी है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल। मेरी एक बहुत लंबी फ़्लाइट है 12-13 घंटे की, तो मैंने सोचा कि इसमें मैं आपसे कुछ बात कर लेता हूँ। बात हम कर रहे थे किताबों की, किताबें क्यों पढ़नी चाहिए, किस लिए पढ़नी चाहिए और किताबों को सिलेक्ट किस तरीके से किया जाए कि कौन सी किताब पढ़ने के काबिल है। मैं उसमें आपको 2-3 ट्रिक्स बताता हूँ जिस पर मैं अमल करता हूँ, मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ। पहली ट्रिक्स तो है कि उस किताब जो भी आप पढ़ रहे हैं जिस सब्जेक्ट की किताब, उसका बाबा तलाश कीजिए, उसका माहिर कौन है, एक्सपर्ट कौन है। मिसाल के तौर पर आप डेटा साइंस की बात करते हैं, आप जेनेटिक एल्गोरिथम्स की बात करते हैं। अब जेनेटिक एल्गोरिथम्स पढ़ रहे हैं और जॉन होलैंड का नाम आपको नहीं पता तो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। मार्विन मिन्सकी का नाम आपने नहीं सुना और आप इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पे काम करें, एवोल्यूशनरी एल्गोरिथम्स पे काम कर रहे हैं तो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। डोनाल्ड मूथ का आपने नाम नहीं सुना और आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो आपको वापस से स्टार्ट करना चाहिए। ये बाबे मिलते किस तरीके से हैं, जो बड़े लोग होते हैं, एक्सपर्ट्स फील्ड के होते हैं, आप उन फील्ड के प्रैक्टिशनर से पूछ लें, आप किसी प्रोग्रामर से पूछ लें, किसी टीचर से पूछ लें, प्रोग्राम पढ़ाता हो कि किन लोगों को फॉलो करना चाहिए, वो आपको 4-5 नाम बता देगा। आप किताबें पढ़ेंगे तो तमाम किताबें उन्हीं लोगों को रेफरेंस कर रही होंगी वापस, जिन लोगों की हम बात करते हैं, जिन लोगों ने बड़ी किताबें लिखी हैं। तमाम एवरी वर्क विल गो बैक टू द सेमिनल वर्क अगेन, तो वहाँ से आप मालूम कर लें कि इस फील्ड के बाबे कौन है, आप उनकी किताबें पढ़ें। फिर मज़ीद देख लें उस फील्ड में किसी ने नोबेल प्राइज़ हासिल किया है। आप पॉवर्टी एलिवेशन को पढ़ना चाह रहे हैं तो अभिजीत बनर्जी को पढ़ लें, एस्टर डेफलो को पढ़ लें, बहुत सारे लोग हैं उनको पढ़ लें, तो उस फील्ड के बाबे तलाश करें। दूसरी बात, ऑथर के साथ उनसियत करें, ऑथर जो होता है आपका उसको समझने की कोशिश करें, वो कहाँ से आया, कहाँ पैदा हुआ, किधर पला बढ़ा, कहाँ रहता है, कौन सी बायसेस हैं जिसके ऊपर उसके जहन को इम्पेक्ट किया होगा, उसकी जो फॉर्मेशन हुई होगी थिंकिंग वो किस तरीके से हुई होगी। फिर आप एक ऑथर को फॉलो करते रहते हैं तो फ़ायदा आपको ये होता है कि आप देखते हैं कि उसकी अपनी सोच किस तरह इवॉल्व कर रही है। 20 साल पहले वो क्या लिख रहा था, 20 साल बाद वो क्या लिख रहा है, बहुत से ऑथर्स अपनी बात लिखी हुई बातों को खुद ही निगेट कर रहे होते हैं। तीसरा, आप किसी एक्सपर्ट से जो टॉप 10 बुक्स होती हैं, न्यूयॉर्क टाइम बेस्टसेलर्स हैं, बाकी हैं, आप उनको भी चेक कर सकते हैं। ये 3-4 बातें हैं, एक्सपर्ट को फॉलो कर लें जो उस फील्ड के एक्सपर्ट को, उन्हें सबसे पहले मालूम करें प्रैक्टिशनर्स के साथ, ऑथर के साथ उनसियत करें, किताब पढ़ने से पहले उसके ऑथर को समझें, उसके ऑथर को पढ़ें, उसकी अजमत अगर आपके दिल में बैठ जाएगी या उसकी थिंकिंग स्टाइल आपको समझ में आ जाएगा तो किताब पढ़नी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। और तीसरी बात कि जो भी इस फील्ड में लोग काम कर रहे हैं आप उन लोगों से रिकमेंडेशन ले लीजिए, बजाय इसकी कि आप 100 किताबें पढ़ें, सही बंदा आपको एक किताब बताएगा उससे आपका काम हो जाएगा। बिल्कुल डॉक्टर्स की तरह, आप फार्मेसी में जाते हैं तो हज़ारों मेडिसिन अवेलेबल हैं, आपके सर में दर्द है उसकी भी 50 मेडिसिन अवेलेबल होंगी, लेकिन आप डॉक्टर के पास जाते हैं वो आपको एक मेडिसिन लिख देता है, उस एक मेडिसिन से आपका मसला हल हो जाता है। किताबों का मामला बिल्कुल इसी तरीके से है, फील्ड के जो माहिर लोग हैं उनके पास जाएं, उनसे पूछ लें, वो आपको 2-4 किताबें बताएंगे, आपकी एज देखते हुए, आपके सर्कमस्टेंसेस देखते हुए, आप क्या सीखना चाह रहे हैं वो देखते हुए, और आपको मसला सॉल्व कर देंगे। उम्मीद है आप मेरी वीडियोस देखते रहेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबका ज़िशान उस्मान। Want to learn more? Please subscribe to my channel and press the bell icon.